गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। वेलकम टू द अनअकैडमी नीट, ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल, योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। तो फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं सबको अच्छे से ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ। देन लेट्स स्टार्ट अवर दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसमें आज हम करने वाले हैं बेटा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है, जैसा कि अगर हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एक क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन पक्का, एक क्लास ऐसी लो जिससे एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, श्योर शॉर्ट हो जाए कि भैया ये चैप्टर करने के बाद मेरे चार नंबर पक्के। जिस तरीके से हमने सॉलिड्स पढ़ा था, चार नंबर पक्के किए थे, सिमिलरली आज हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। क्या क्या सेशन में होने वाला है उसके बारे में थोड़ी देर में अपने स्टार्ट करते हैं। और फटाफट गए सभी लोग, जो सेशन का लिंक है अपने सभी मित्रों और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। जो भी बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ड्रॉपर हो, 11th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, उनको ये सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछा जाता है, एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछा जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग। साथ ही अगर बीच में अगर कोई वॉइस वगैरह का इशू है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा सर वॉइस इशू आ रहा है, और क्या क्या स्पेशल क्लासेस होने वाली है उसके बारे में आज हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में, ठीक है? चलिए तो बात करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट मी। जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर, पहले तो मैं कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज विदाउट सब्सक्राइबिंग यू विल नॉट गेट ऑल मटेरियल्स। सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट मी, योर फिजिक्स एजुकेटर विशाल शर्मा, एंड दिस इज माय एक्सपर्टाइज। और अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, यू कैन यूज इनविटेशन कोड विशाल11, जिससे कि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वगैरह में भी काफी डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है? तो इसमें एक थोड़ा सा एडिट है, और वो एडिट ये है कि आज टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, सॉलिड्स को गौर मत कीजिएगा, ठीक है? तो दिस इज द न्यू सिलेबस ऑफ द नीट 24, ओके? ये सिलेबस रिलीज किया गया था, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हट गए होंगे, बट डोंट वरी, उनको भी हम कवर करेंगे, सो दैट जो बेसिक्स है हमारा वो तो कवर हो। तो आज हम पढ़ने क्या वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किस बाबा ने दिया था? ये दिया था न्यूटन बाबा ने। न्यूटन बाबा जी ने देखा कि एक सेब एप्पल पेड़ से गिर रहा है, तो न्यूटन बाबा जी के दिमाग में आया क्यों ना इस पर भी डिस्कवरी की जाए। तो उन्होंने दिया था यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन देने के बाद हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जी पढ़ते हैं ना अपने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन में जी आ रहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहां से आया, उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया, उसकी हम बात करेंगे। और उन क्वेश्चंस में हम जी को कॉन्स्टेंट मानते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड। लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि जी का वेरिएशन भी होता है विद एल्टीट्यूड एंड विद डेप्थ। ऊपर जाने पर भी जी अलग होता है, नीचे जाने पर भी जी अलग। फिर हम पढ़ेंगे कैपलस लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तीन इसके लॉज हैं, अगर आप उनको सिंपल आपकी थ्योरी याद है तो डेफिनेटली आप उसको आराम से कर पाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पे एक आज जादू होने वाला है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने थोड़े दिन पहले स्टडी की थी वर्क एनर्जी पावर में, वर्क पावर एनर्जी में, वो ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर यूज में आने वाली है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज बराबर कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट में किया गया वर्क डन, उसके अगेंस्ट में किया गया वर्क डन। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी आ ही जाएगा, दोनों कॉमन टर्म है, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट एनर्जी, और मास से डिवाइड कर देंगे वी विल गेट पोटेंशियल। एस्केप वेलोसिटी, अभी आपने देखा होगा चंद्रयान जी को भेजा गया था, तो कितनी वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करें तो वो अर्थ के या किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, इनफाइनाइट पे चला जाए, वहां पर उस प्लेनेट की ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत कम रहे, वापिस ना आए, एस्केप वेलोसिटी। फिर सैटेलाइट किस तरीके से मोशन करती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है आपकी, और ऑर्बिट्स में जो घूमती है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट्स क्या होती है आपकी, उसकी क्या टोटल एनर्जी होती है, और उसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे टाइम पीरियड याद होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो डेफिनेटली ग्रेविटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। और एक चीज और मैं बता दूं, इस क्लास के दो फायदे, ग्रेविटी के साथ साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी रिवीजन होने वाला है। जिन बच्चों ने स्पेशल क्लास ली थी ना,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लिया था। नाउ दे विल फील कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ग्रेविटी इज नथिंग, ग्रेविटी चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पैरेलल पढ़ाता हूँ। इधर ग्रेविटी पढ़ेंगे, उसी के सेम लॉज, एग्जैक्टली सेम लॉज, फील्ड पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी फील्ड, सब वहां अप्लाई होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट सभी लोग क्या कर लीजिए, प्रॉमिस कर लीजिए। और प्रॉमिस करने से पहले बता देता हूँ, 2 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, डीपीपी सॉल्व करेंगे। शाम को 7 बजे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्लास है, जिसमें हम इक्विप पोटेंशियल सर्फेसेस को डील करने वाले हैं। प्रॉमिस हमारा क्या है, फटाफट सभी लोग प्रॉमिस कर लीजिए, लाइव क्लास लूंगा, जितना कोशिश हो सके लाइव क्लास ही लूंगा सर। अगर दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो मैं रिकॉर्डेड वर्जन देखूंगा। रिविजन करना है मुझे प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रैक्टिस करना है, क्लास देखना है मुझे वापिस 1.5 टाइम्स। ये मैं क्या करता हूँ, डेली आपको ये प्रॉमिस करवाता हूं, ताकि आपको ये चीजें याद रहे। आरोही वर्मा जी, वन शॉट लेक्चर में नहीं करवा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, लॉज ऑफ मोशन का भी 75% पोर्शन हुआ है सिर्फ 6 घंटे में। अगर मैं एक एक घंटे के लेक्चर लूंगा तो 6 दिन लग जाएंगे, तो मैंने इसीलिए 2 दिन में लिया है। और इट्स ए हार्ड चैलेंज, अगर ये हार्ड ही नहीं रहेगा तो कैसा होगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। अगर वन शॉट करवाना होता तो मैं डायरेक्टली लिखता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। बट यू विल फील कि आज हम उसको डिराइव भी करने वाले। तो ऐसा इल्जाम सुबह सुबह मुझ पर मत लगाइए, है ना, ठीक है, ऐसा इल्जाम मत लगाओ भैया। पूछ लो कमेंट सेक्शन में, भैया कोई ऐसा कमेंट करता है कि सर आपने पूरा एक साथ पढ़ा दिया, समझ नहीं आया, या कोई टॉपिक छोड़ दिया। तो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बताना है कि भैया सब कुछ पढ़ाया गया जैसा कि वादा किया था वैसे ही। तो बात करते हैं मास की। मास, मास 2 टाइप के होते हैं भाई, एक तो ग्रेविटेशनल मास, एक इनर्शियल मास। एक तो ग्रेविटेशनल मास, एक इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास मतलब ऐसा मास जिसकी वजह से हमें ग्रेविटी फोर्स फील होता है। क्या बात समझ में, ऐसा मास जिसकी वजह से हमें ग्रेविटी फोर्स फील होता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। बिल्कुल 100% पूरा सिलेबस, अब बार बार ये बात नहीं पूछेंगे, कोई एक बार मैंने कह दी। इनर्शियल मास क्या होता है, इनर्शियल मास वो मास होता है जिसके कारण इट्स बेसिक लाइक ए प्रॉपर्टी, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इसके कारण ये अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करता है। मास के 2 काम है, अगर किसी के पास मास है तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल मास, उस मास को हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हिलाना चाहता हूं, वो हिल नहीं रहा है, उसके पीछे का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, उसके पीछे का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। और उस इनर्शिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम कहते हैं इनर्शियल मास। अब ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी का इनर्शियल मास अलग होगा, किसी बॉडी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ग्रेविटेशनल मास अलग होगा। सिंपल अगर मैं बात करूं, हमारा जो ग्रेविटेशनल मास होता है वही हमारा इनर्शियल मास के इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड, बट दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सिंपल बेसिकली डिफरेंट होती है। सिंपल क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब हम बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एकदम सिंपल, इससे सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में बनने वाली। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन बाबा जी कहते हैं कि कोई अगर 2 ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था ग्रेविटी फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ग्रेविटी फोर्स। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेगा, ये पुल करेगा, इट इज पुलिंग इन नेचर। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी हमने पढ़ा था कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब आज हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स लॉ। और उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो अगर मान लीजिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लिख लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसा कि आपने कहा, वो इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और जिनको लिखने में समस्या है क्लास के बाद लिख सकते हैं,
और उनकी बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब मैं इन दोनों को कंबाइंड करता हूं तो मुझे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक सेकेंड, पेन को सही कर लेता हूं, वो मेरी फिंगर्स को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, तो ये है आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैग्नीट्यूड है बेटा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का ये मैग्नीट्यूड है। और फोर्स की यूनिट किस में होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन में। सिंपल, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन में होती है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ये जो जी होता है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है। सर जी, जो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 11। ओ हो, माइनस ऑफ 11, माइनस ऑफ 11, कितना वीक फोर्स है ये, माइनस 11 में जा रहा है। इट्स अ वीक फोर्स, इट्स जस्ट लाइक अ वीक फोर्स, है ना। और इसकी यूनिट क्या होगी सर? इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर केजी स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का वैल्यू। इसको याद रखने की आप कोशिश कीजिएगा, इसको आपको याद रखना है। सिंपल सिंपल, अब देखिए अब होने वाला है जादू। एक तरफ चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक तरफ चलेगा आपका ग्रेविटेशन। तो प्लीज फोकस के साथ पढ़िएगा, इसी लॉ का यूज करते हुए मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और जिनके नोट्स बनाने में समस्या है क्लास के बाद बना लेना, बट क्लास में पूरा फोकस रखिएगा। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो चीजें आपको यहां पर पूरा फोकस के साथ पढ़नी है। सारा वेक्टर वगैरह सब आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, टेंशन नहीं लेना है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रो, जो 11th में है ना, जो 11वीं में भी है बच्चा, वो भी परेशान मत होना, ऐसा कुछ तोप चीज नहीं है, ये बिल्कुल इजी चीज ही है, ठीक है। एक मिनट रुको, चलो अब देखो। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस है r। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है? चार्ज की जगह कौन आ जाता है? चार्ज की जगह आ जाता है मास। मास, दिस इज मास m1 और ये अपना मास m2। इनके बीच का डिस्टेंस r, लगभग एक जैसा डायग्राम। तो कूलम्ब्स भैया जी क्या कहते हैं? कूलम्ब्स भैया जी कहते हैं सर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट विल बी के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और न्यूटन भैया जी क्या कहते हैं सर? ग्रेविटी फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लो भैया, कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट, कूलम्ब्स लॉ हैज बीन कंप्लीटेड, कूलम्ब्स लॉ आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, एक तरफ कूलम्ब्स लॉ है, एक तरफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें कोई समस्या किसी को प्लीज बताइए, इसमें किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है आपकी ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन है। सिमिलरली इसमें भी डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं यही लिख देता हूं कि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R cube R vector। सिंपल है, ये दो फॉर्मूले आपके यहां पे बन गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ के। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी में। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इट विल बी जी m1 m2। सिमिलरली यहां भी क्या आएगा? R क्यूब इंटू आर वैक्टर। बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों लॉज में क्या हो रहा है? दोनों लॉज में सर माइनर चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस हैं। के की जगह जी है, तो हमने यहां क्या देखा? हमने यहां पर देखा कि सर के की जगह है जी,
और के किसके इक्वल होता है? सर के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्साइलन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्साइलन नॉट। तो 1 अपॉन एप्साइलन नॉट की वैल्यू क्या आएगी? सर 1 अपॉन एप्साइलन नॉट की वैल्यू आएगी 4 पाई जी। 1 अपॉन में एप्साइलन नॉट की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई जी। सिंपल। और चार्ज की जगह कौन आ रहा है? सर जी यहां पे चार्ज की जगह आ रहा है मास। चार्ज की जगह कौन आ रहा है? चार्ज की जगह आ रहा है मास। ऑल ऑफ यू आर एग्री, है ना? समझ में आया? पक्का? बढ़े आगे की ओर। ये तो हमने लॉ पढ़ा है, अब देखना आगे आने वाले टाइम में। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पैरेलली रिवाइज होता जाने वाला है। चलिए बढ़े आगे की ओर, बढ़े आगे की ओर। ठीक है, सॉरी। अब हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज। जिस तरीके से पॉइंट चार्ज होता है, ठीक उसी तरीके से पॉइंट मास होता है ना? बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है क्यू। दिस इज द पॉइंट चार्ज क्यू। पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, ग्रेविटेशनल फील्ड अब आपके पिक्चर में आने लगेगा। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू ले लो, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। इज इट क्लियर? के क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। और यहां पे अगर वेक्टर फॉर्म में यूज में ले रहा हूं तो यहां आ जाएगा आर कैप। क्या हो जाएगा? आर कैप। अरे आपस में बातें मत करो, यहां हो जाएगा आर कैप। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइड बाय आर। अब मैं पॉइंट मास की बात करता हूं। सपोज यहां पे कोई पॉइंट मास है कैपिटल एम, और सेम चलेगा, देखो सेम चलेगा। यहां पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहता हूं। कैसी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? सर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय स्मॉल एम। ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय स्मॉल एम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी बच्चा? ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी सर जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आर कैप। ग्रेविटेशनल फील्ड सेम सेम चल रहा है बेटा, सेम। उधर भी देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इधर जी एम बाय आर स्क्वायर। के की जगह कौन आ गया? जी। अब यहां जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसी है? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो दैट्स वाई यहां पर कैसा साइन आएगा? एक नेगेटिव साइन आएगा। कैसा साइन? नेगेटिव। बिकॉज ये कैसी है? अट्रैक्टिव इन नेचर है। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां पर के क्यू बाय आर है, तो यहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ जी एम बाय आर, नेगेटिव ऑफ जी एम बाय आर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। दोनों चल रही हैं साथ साथ में, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए, एक तरफ है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ है आपके ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम पोटेंशियल का ड्रॉ कर लेते हैं। यह है मान लीजिए पोटेंशियल, और यह है यहां पे रेडियस आर। तो आप यहां पे देखेंगे जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है, अरे बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है पोटेंशियल विल डिक्रीजेस। तो यहां पे ग्राफ आएगा ऐसा, बट पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और सिमिलरली अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, बट नेगेटिव में डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगी ना, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव में डिक्रीज होगा। तो यहां ग्राफ कुछ ऐसा आएगा उल्टा, एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है? माइनस है। समझ आया? बोलो हाँ ना भाई, बोलो हाँ ना। मैं हाइड हो जाऊं? दिखा दोनों का ग्राफ पक्का? मजा आया कि नहीं? आहा, क्या बात है सर, दो दो चीजें एक साथ कंप्लीट। अब हम करते हैं बात चार्ज रिंग की। किसकी बात करेंगे?
चार्जरिंग की बात करेंगे तो चार्जरिंग पर आ जाते हैं। चार्जरिंग पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब ग्रेविटी कंप्लीट कर लिया और ग्रेविटी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंप्लीट कर लिया। बात आई समझ में? पता ही नहीं चलेगा। यह है मान लीजिए चार्जरिंग, और यह है मान लीजिए आपका चार्ज मास, है ना, रिंग वाला मास। ठीक है, चलिए साहब जी, ये कुछ ही एक्स डिस्टेंस पर मुझे देखना है सब कुछ। कुछ फॉर्मूले याद हो रहे हैं? ये आर डिस्टेंस की जगह एक्स ले लो, इसको इसको एक्स ले लिया मैंने, इसको एक्स ले लिया, दिस इज पॉइंट पी, ये भी पॉइंट आपका पी है। रिंग समझ रहे हो? रिंग 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 रिंग। चलिए बहुत बढ़िया, इसका टोटल चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, इसका टोटल मास एम है और रेडियस आर है। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की, अब कोई वेक्टर फॉर्म में यूज नहीं लेने वाला हूं। तो मुझे बताइए कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है? सर, के क्यू एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो हटाओ फिर, पावर 3/2 कर दो, दो बार लिखना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चमका? समझ आया? के क्यू एक्स, ये फॉर्मूला देखा है, जाना पहचाना है। अब ग्रेविटी में क्या करेंगे? सर, ग्रेविटी में के की जगह पुट कर देंगे जी। मैं आपको जी नहीं कह रहा हूं, के की जगह पुट कर देंगे जी, और क्यू की जगह पुट कर देंगे कैपिटल एम। तो भैया जी यहां पर अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इट विल बी जी एम एक्स डिवाइड बाय, सेम फॉर्मूला, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओ हो, क्योंकि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो जैसा आपका कूलम्स लॉ में चलेगा वैसा ही आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में चलेगा। पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू डिवाइड बाय के क्यू, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? इज इट ओके? अब वहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस में, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी माइनस माइनस जी एम। ठीक है, अरे भैया जी एम डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल सोबर, एकदम सिंपल सोबर, कोई समस्या कोई परेशानी, नो दिक्कत नो समस्या नो परेशानी, नो दिक्कत नो समस्या नो परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है। अब जैसे चार्ज रिंग हो गया, उसी तरीके से बात आएगी चार्ज डिस्क, चार्ज डिस्क। चलिए तो चार्ज डिस्क यहां पे लेके आ जाते हैं। डिस्क क्या होती है अपनी? डिस्क होती है अपनी सॉलिड। तो ये अपनी सॉलिड है, 2D मेंबर है बट सॉलिड है। डिस्क मतलब समझ रहे हो? प्लेट, घर में जिस प्लेट में खाना खाते हैं ना, वो आपकी डिस्क ही है। जिस प्लेट में आप भोजन करते हैं वो डिस्क है। तो चार्ज डिस्क हो गया, चार्ज मास हो गया। यहां पर एक टर्म डिफाइन होती है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक उसी तरीके से डिफाइंड होगी मास डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी भी हो जाएगा और मास डेंसिटी भी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। लिखिए, यह है इसका टोटल चार्ज क्यू, इसका टोटल रेडियस आर, कैपिटल रेडियस आर, इसका मास एम और रेडियस आर। तो यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा सर? टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ द डिस्क, पाई बाय फोर डी स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी सर? मास अपॉन में एरिया, मास पर यूनिट एरिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किसी इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं।
देखो, आपको ऐसी चीज कहीं नहीं मिलेगी YouTube पे कि दोनों पैरेलल हम पढ़ रहे हैं और समझ भी आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको अगर हम यहाँ पे मिलाएं, इसको हम यहाँ पे मिलाएं, इस एंगल को हम कहते हैं बेटा थीटा। ये एंगल होता है अपना थीटा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस है एक्स। नाउ इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल एंड कीप इट सिंपल। जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कोस थीटा, याद हो तो, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस में कोस थीटा। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा निकल सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अब ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, तो यहां भी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में, अब देखो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने रखी थी 4 पाई जी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई जी। तो जब मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई जी इन ब्रैकेट 1 माइनस में कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई? सिग्मा ले लो यहां पे, सिग्मा कहां रखें, सिग्मा कहां रखें, यहां रख देते हैं, नजर आ रहा है, सिग्मा सिग्मा इंटू 2 पाई जी 1 माइनस में कोस थीटा। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। सर पोटेंशियल भी बहुत ही सिंपल सा है। पोटेंशियल क्या होता है सर? पोटेंशियल होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां माइनस आएगा और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। अब पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है ना, क्योंकि इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो यहां पे माइनस लगाना बिल्कुल ना भूले, माइनस सिग्मा 2 पाई जी इन ब्रैकेट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला नजर आ रहा है सबको अच्छे से, हैं? मतलब जो उधर लिख रखा है ना ब्रैकेट में, अंडर रूट ऑफ इधर ब्रैकेट में जो लिखा है वो उधर वाला ही है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। कन्वर्ट करना समझ में आ रहा है क्या, किस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला को ग्रेविटेशन के फॉर्मूला में? कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अब देखिएगा, अब है आपकी कैसी, इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट। तो चार्ज शीट है इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ी है, लेंथ भी बहुत बड़ी है, विड्थ भी बहुत बड़ी है, दोनों ही बहुत बड़ी है, यहां से यहां तक इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट, समझ आई? इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट। और सिमिलरली इसको मैं क्या कर सकता हूं, इनफाइनाइटली लार्ज मास की शीट, इनफाइनाइटली लार्ज मास की शीट, है ना, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बोलो हाँ ना, इनफाइनाइटली लार्ज, ऊपर एकदम ऊपर और एकदम यूं, एकदम लंबी एकदम चौड़ी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ये तो रट रखा है हमने, कैपेसिटेंस में भी काम आता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दिखाते हैं, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी निकालते हैं, तो वी ए माइनस वी बी ये किसके इक्वल होगा सर? इट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम फॉर्मूला, आर बी माइनस ऑफ आर ए। इसके प्रॉपर डेरिवेशंस होते हैं आपके, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं स्पेशल क्लास में पूरा पढ़ा रखा है बेटा मैंने, देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको, स्पेशल क्लास में तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो रखा है, यहां देखो। तो मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, प्रोफाइल पे जाना, मुझे फॉलो करके रख लेना, यहाँ फ्री क्लासेस पे क्लिक करना, देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने लेक्चर ले रखे हैं 11, 11 लेक्चर ले रखे हैं, तो ऑलमोस्ट 15 घंटे में अपनों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप यहां से पूरा डिटेल मैनर में स्पेशल क्लासेस में पढ़ सकते हैं,
इसी के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी आज क्लासेस हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी क्लास है, डीपीपी भी है, तो वो दोनों आप ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है, 2 बजे। चलिए बढ़े आगे की ओर, इसमें कोई संदेह। अब इसी इधर वाले को देख के इधर वाले का फॉर्मूला बनाना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या होगा, ये अब देखो 1/ε0 लिख देता हूं मैं यहां पे, 1/ε0 की वैल्यू है 4πg, तो ये 2π, सिग्मा 2πg हो जाएगा ना, इसको लिख देता हूं सिग्मा 2πg, सिग्मा 2πg। अब VB माइनस VA, सेम फॉर्मूला, VA माइनस VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो सिग्मा, वैसे नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव अट्रैक्टिव इन नेचर, सिग्मा 2πg इन ब्रैकेट RB माइनस ऑफ RA, सिंपल, एकदम सिंपल सोबर, RB माइनस ऑफ R, घुसा दिमाग में। ये VA VB क्या है, VA है A पर पोटेंशियल, VB है B पर पोटेंशियल, तो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशन में। अभी आप अगर मान लीजिए आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा नया नया लगेगा आपको, थोड़ा नया नया लगेगा, बट डोंट वरी डोंट वरी, इनके डेरिवेशन पेपर में नहीं आएंगे आपके। इनफाइनाइटली लार्ज वायर, जैसे ये वायर है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, और किसी पॉइंट पी पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट्स ऑल्सो सिंपल। मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा, लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी मास डेंसिटी है लेमडा, और लेमडा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2K λ/r। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा, जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ई भी नहीं पढ़ा है, बताओ फटाफट। तो जो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा मत समझना कि सर आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, अरे ये तो रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ग्रेविटेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इट्स जस्ट ए रिवीजन, इट्स जस्ट ए रिवीजन, ये सिंपल एक रिवीजन ही है। चलिए तो अगर मुझे निकालना है वी ए माइनस ऑफ वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का विभवांतर 2K λ, टू के लेमडा एल एन आर बी अपॉन आर ए, कमेंट नहीं आ रहे, पढ़ा है ना, तो बस क्या दिक्कत है, या क्या दिक्कत है, थोड़ा जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है काम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड 2K की जगह क्या आ जाएगा, जी लैम्डा डिवाइड बाय आर एट पॉइंट पी, और अगर मैं यहीं पे सेम फॉर्मूला लगा देता हूं, देखो ये मैं सेम फॉर्मूला, लो यार आप कहते हो तो कॉपी पेस्ट करता हूं, कॉपी पेस्ट, ये सेम फॉर्मूला यहां लगा देता हूं मैं, और के की जगह क्या लिख दूंगा, के की जगह क्या लिख दूंगा, बस जी। और यहां पे एक आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है, सेम फॉर्मूला, अब कॉपी पेस्ट ही करूंगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे, सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, चलिए आगे बढ़ो, नाराज हो जाते हैं, विशाल सर के कुछ नमूने हैं जिनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करते और नाराज होकर भग जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चार्ज स्फेरिकल शेल, शेल मतलब होता है खोखला, होलो, शेल मतलब क्या होता है, खोखला, होलो, होलो ऑब्जेक्ट है आपका, वो होलो ऑब्जेक्ट, तो ये है भैया शेल होलो, CV, ये लीजिए, ये भी है होलो,
इसका टोटल चार्ज है क्यू, रेडियस है आर, इसका टोटल मास है एम और रेडियस है आर। इसमें दो केस बनेंगे बेटा, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब अगर आप स्फेरिकल शेल के अंदर हो, इस स्फेरिकल शेल के अंदर हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सर? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, ठीक है, के क्यू। जब आप इस शेल के अंदर, इस शेल के अंदर हो। दूसरा केस बनता है कि जब आप इस शेल के बाहर हो, इस शेल के बाहर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सर? के क्यू बाय स्मॉल आर। याद हो रहा है ना, एक तरीके से बेटा रिवाइज भी हो रहा है। टेक इट एज ए एडवांटेजेस कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6 महीने से रिविजन नहीं किए, अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, अब हम इसको सिंपली रिवाइज कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में रखना है तो वेक्टर फॉर्म में रख लो, वेक्टर फॉर्म में रखोगे तो आर कैप आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है कि जब आपका आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर तो ग्रेविटेशनल फील्ड होलो के केस में, होलो मतलब खोखला, खोखला, ये खोखला शेल, खोखला, अंदर कुछ मैटर नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा के की जगह क्या हो जाएगा? जी, तो जी एम डिवाइड बाय आर। अगर हम बाहर की तरफ हैं, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, बाहर की तरफ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ जाएगा? जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जी एम डिवाइड बाय आर, जी एम डिवाइड बाय आर। ये आर क्या है? ये आर डिस्टेंस है। अब मान लो आप कहीं यहां पर हो आर, इस पॉइंट में, तो ये डिस्टेंस है आर, स्मॉल आर। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इस शेल की रेडियस है, ये कैपिटल आर इस शेल की रेडियस है। क्या बात समझ में आई? हाइड हो जाओ, देख लो दोनों फॉर्मूले, देख लो, कंपेयर कर लो। के की जगह जी, सिर्फ इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है, के की जगह जी है और कोई भी इसमें फर्क है ही नहीं, कोई भी फर्क नहीं। और पेपर में कंफ्यूज पता है कैसे करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड का डायग्राम पूछ लेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायग्राम पूछ लेगा, इट विल बी अपोजिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा अपोजिट है। तो देखो यहां पे मैं दो डायग्राम बनाता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पे R इज इक्वल टू कैपिटल R, यहां पे रेडियस R, ठीक है। एक बनाता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक बना लेता हूं मैं पोटेंशियल का। तो एक बनाता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ये है पोटेंशियल। अब यहां पे देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और बाहर की तरफ जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजेस। तो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जीरो, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, और जैसे ही बाहर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजेस, एक मैक्सिमम वैल्यू से इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इज इट सिंपल? इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भैया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल में यहां देखो, पोटेंशियल में देखो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, क्योंकि के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट, और बाहर की तरफ बढ़ेंगे आगे तो पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, और बाहर की तरफ पोटेंशियल विल बी स्टार्ट डिक्रीजिंग, पोटेंशियल विल बी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन पूछा है, पोटेंशियल का पूछा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है। अब सेम चीज मैं अप्लाई करने वाला हूं हमारे ग्रेविटेशन में, और ग्रेविटेशन में मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर नेगेटिव,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव, तो इसका उल्टा डायग्राम बनेगा एकदम एग्जैक्टली। अब फटाफट क्या करो, दोनों का डायग्राम उल्टा बनाओ, मिरर इमेज कर दो, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका मिरर इमेज कर दो, मिरर इमेज में यहाँ पे जो है ना उसको हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। तो ये आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दिस इज आर। अब देखो तो एक तरफ हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की और एक तरफ हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो पहले ग्रेविटेशनल फील्ड देख लेते हैं। अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड था, अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो, इट विल बी नेगेटिव यहां पे। और अब ये क्या होगा, इट विल डिक्रीज इन नेगेटिव, इट विल डिक्रीज इन नेगेटिव, समझ में आया। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, तो यहां पे पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अंदर की तरफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, फिर बाहर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्या ये एक दूसरे का उल्टा मिरर इमेज नहीं दिख रहा क्या? एक याद कर लो डेफिनेटली दूसरा हो रहा है कि नहीं, थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके दिल की तमन्ना जो है ना कमेंट सेशन में दिखा दो, ठीक है, दिल की तमन्ना, बहुत सारे दिल भेजो कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन फील आपके और जो मेरे दिल की बात जो मैं कहना चाहता हूँ ना इलेक्ट्रोस्टैटिक की, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास पहुंच रही है, ठीक है। अब दो ही चीजें, डोंट वरी, अब आपका ये कंपेरिजन खत्म होने वाला है, ये कंपेरिजन अब खत्म होने वाला क्योंकि अब सॉलिड में आ रहे, सॉलिड में। चलिए बहुत बढ़िया, कहीं और ही ले जाते हो आप, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए शाबाश। अब आ जाता सॉलिड, सॉलिड जो अमेरिकन एसेंट होता है उसमें बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड बॉडी। चलिए बढ़ाते हैं अब इसको आगे, सेम केस चलेगा सॉलिड में भी, अंदर बाहर वाला केस है ये, सॉलिड स्फीयर सी वी, ये भी सॉलिड स्फीयर, इसका टोटल चार्ज क्यू, इसका रेडियस आर, टोटल मास एम और रेडियस आर, ठीक है, सिंपल। बढ़े आगे की ओर, चलो सॉलिड मतलब क्या, ये पूरा भरा हुआ है बेटा, अंदर भी मास पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है सरफेस पे आया हुआ है सारा मास, शेल में क्या होता है सारा मास सरफेस पे होता है, सॉलिड में अंदर की तरफ भरा हुआ रहता है। हमारी अर्थ क्या है, सॉलिड है या फिर होलो है, अर्थ सॉलिड है या होलो है बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अर्थ सॉलिड है या फिर अर्थ होलो है। तो पहला मैं केस ले लेता हूं, सॉरी पहला मैं केस लेता हूं व्हेन आर इज लेस देन आर, और एक केस लूंगा मैं आर इज ग्रेटर देन आर। पहले ग्रेटर देन वाला ले लेता हूं कि हम बाहर की तरफ है, किधर है बाहर की तरफ, इफ आर इज ग्रेटर देन आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल, ये तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, बाहर की तरफ है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा पहले पढ़ा वैसे ही आएगा ऑलमोस्ट, तो बाहर की तरफ तो कोई दिक्कत ही नहीं है के क्यू बाहर आ रहा है। यहां भी अगर मैं बाहर लेता हूं आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी आ जाएगा जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इट विल बी माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर। ध्यान रखना हर बार पोटेंशियल पे मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नेगेटिव लिखना भूल ना जाना, क्वेश्चन करते वक्त नेगेटिव लिखना भूल ना जाना। नाउ लेस देन आर, लेस देन आर का मतलब क्या है, मैं अंदर हूं, अब अंदर हूं तो अंदर तो मास है, शेल में अंदर मास नहीं होता, शेल के अंदर मास नहीं होता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो।
लेकिन मैं अंदर हूं, अंदर हूं तो डेफिनेटली मास भी होगा, और अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ही होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ही होगी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में शो करूं तो वेक्टर फॉर्म में भी शो कर सकते हो, यहां पे आर कैप आ जाएगा, ठीक है, सिंपल आर कैप। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में शो कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहां भी के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा लेकिन वेक्टर फॉर्म में है ना, तो कैपिटल आर क्यूब और डायरेक्शन हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और पोटेंशियल की बात करूं, इसमें तो पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा, पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, के क्यू बाय टू आर क्यूब, के क्यू बाय टू आर क्यूब इन ब्रैकेट थ्री आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ऐसा फॉर्मूला आपको अब आने वाली क्लास में देखने को मिलेगा। अब सेम यही चिपका रहा हूं मैं सर, ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म जब आर क्या हो ग्रेटर देन स्मॉलर देन आर, तो इट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा सर, ये होगा जी एम डिवाइड बाय आर क्यूब आर वेक्टर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा सर, इट विल बी माइनस जी एम डिवाइड बाय टू आर क्यूब इन ब्रैकेट थ्री आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है क्या, प्लीज बताइए। मैं कह रहा हूं कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो ये मैंने येलो कलर के क्लाउड में आपको बनाया, ये फॉर्मूला याद कर लो फटाफट, फटाफट याद कर लो सर, जी एम डिवाइड बाय टू आर क्यूब इन ब्रैकेट थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर याद करने का क्या तरीका, देखो आर की पावर थ्री है तो साथ में है टू, आर की पावर टू है तो साथ में है थ्री, टू थ्री टू थ्री, घुसा दिमाग में, टू थ्री टू थ्री, टू थ्री टू थ्री, टू थ्री टू थ्री, हो जाएगा याद, बोलो हाँ ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, माइनस का जी एम अपॉन में टू आर क्यूब इन ब्रैकेट थ्री आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्या है, वो डिस्टेंस है सेंटर से जहां पर मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं। इन सभी पोटेंशियल के फॉर्मूलाज में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूलाज में नेगेटिव साइन यूज में लिया जा रहा है। कैसा साइन, नेगेटिव साइन यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। गॉस लॉ पढ़ा है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पढ़ा है कि नहीं, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनसाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली जो ग्रेविटेशन होगा उसमें भी वही होगा, मास इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मास इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम फ्लक्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज में फ्लक्स लाइंस बाहर जाती है तो पॉजिटिव, और ग्रेविटेशन में इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर तो फ्लक्स लाइन अंदर की तरफ आ रही है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, सिंपल एज दैट। तो अब हम गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी एस। अब यहां पे नेगेटिव साइन यूज में आएगा और मास इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 4 पाई जी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 4 पाई जी, तो लिख दो 4 पाई जी माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है 4 पाई जी मल्टीप्लाई बाय द मास इनसाइड द स्फीयर, मास इनसाइड द स्फीयर। सिंपल है कि नहीं, दोनों को पैरेलल पढ़ोगे ना तब सिंपल लगेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, इट इज इक्वल टू व्हाट सर, इट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा, सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी सर मास मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
मास मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या ये चमका? क्या ये सबको समझ में आया? अब मैं यहां से क्वेश्चन पूछता हूं, बस अब कंपैरिजन खत्म, अब कंपैरिजन खत्म। अब डोंट वरी, नाउ मेन कंटेंट विल कम। अब मेन कंटेंट आने वाला है। तो मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये भी क्या आएगी? नेगेटिव होगी। हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, हमेशा हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी आपके लिए लिखा है अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, एग्जाम बिफोर द एग्जाम, मेन एग्जाम देने से पहले अपने आप को एक्चुअल एग्जामिनेशन की फील करवाने के लिए वी आर हैविंग अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज UAITS। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। तो जो भी बच्चा लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है नेट एग्जामिनेशन की, मैं उनको डेफिनेटली हर बार कहता हूँ, जितने ज्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट दो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा निखार आपकी प्रिपरेशन में आएगा। तो ये मॉक टेस्ट आपका शुरू हो गया 15 अक्टूबर से, तो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। और इसमें इंडिया के सभी बच्चे पेपर देते हैं जो कि टॉप रैंक हासिल करने वाले होते हैं, या फिर हो सकता है आप भी इतने सारे मॉक टेस्ट देगी आप भी टॉपर बन जाए। अपना एनालिसिस कर करके, अपनी वीकनेस को पहचान के, उनको अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करके। नाउ अब बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सिंपल सी चीज है बेटा, देखो एकदम सिंपल है। अगर मान लीजिए हमारे चारों तरफ एयर ना हो, तो सपोज वैक्यूम, तो मैं दो ऑब्जेक्ट को गिराता हूं, तो दो ऑब्जेक्ट को गिराऊंगा दोनों साथ में नीचे आएंगे एयर ना हो तो। ये एक्सपेरिमेंट सबने यूट्यूब में देखा होगा ना, अगर चारों तरफ हवा ना हो तो अगर मैं इसको गिराऊं दोनों एक साथ आएंगे। ये वैसे दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन मैं इस ये रेफरेंस मान लेना, ये वाला रेफरेंस, ठीक है? तो देखो अब यहाँ हवा नहीं है, मैंने लैब बना रखी है यहाँ पे, देखो दोनों एक साथ नीचे आते हैं, लेकिन अगर हवा होगी तो क्या होगा? अगर हवा होगी तो क्या होगा? दोनों का मास अलग अलग है, अगर हवा होगी तो देखो क्या होगा, दिखा हवा है ना, तो ये क्या है? हेवी है, ये लाइट है, एयर है। अब एयर है तो ये देखना धीरे धीरे आएगा, ये इधर बग गया, घुसा दिमाग में। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट थोड़ा धीरे धीरे आता है। बट यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम्पल की, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसका मास 2 kg है, एक हमने फेदर ले रखा है जिसका मास बहुत कम है, हल्का है, 0.01 kg है ना, 10 ग्राम का है। तो जब मैं उनको छोड़ूंगा तो वो दोनों एक साथ अर्थ पे आके गिरेंगे, दोनों एक साथ अर्थ पे आके गिरेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रश्न, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, कि अर्थ अगर इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, अगर अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, तो हमने सर ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा है कि ये ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। और जब ये हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो अर्थ ऑब्जेक्ट के पास क्यों नहीं जाती है? अर्थ ऑब्जेक्ट के पास क्यों नहीं जाती है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अगर जिसका मास ज्यादा होगा तो एफ बराबर एम ए, मास ज्यादा एक्सीलरेशन कम, मास कम एक्सीलरेशन ज्यादा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, इसीलिए अर्थ वहां पे नहीं जाती है। और इसका मास कम है एज कंपेयर टू द अर्थ, तो इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। और इस पर अर्थ जो एक्सीलरेशन दे रही है उसी एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स फाइंड आउट। कैसे उसको फाइंड आउट अपने को करना है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो हमें पता है कि सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू
मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे इसको लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। अब केवल यही फोर्स लग रहा है हमारा ऑब्जेक्ट पे, तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सिलरेशन। और इस एक्सिलरेशन को मैं ए से डिनोट नहीं कर रहा, वन सेकेंड, इस एक्सिलरेशन को मैं ए से डिनोट नहीं कर रहा, इस एक्सिलरेशन को मैं जी से डिनोट कर रहा हूं। तो ये जी क्या है, जी है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण आने वाला एक्सिलरेशन। तो ये जी नॉट क्या है, तो ये जी नॉट है हमारा ई जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। अरे भैया, इसलिए आप सर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा रहे थे? हाँ, इसीलिए तो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा रहा था, क्योंकि क्योंकि एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग, इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। चमका, मजा आया, बोलो हाँ ना। तो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आई भैया? इसका आप डेरिवेशन तो वैसे भी कर ही सकते हो ना, ये तो सिंपल हो गया ना। ड्रेविटी मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका डिस्टेंस सेंटर से है कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा सर, अर्थ के अंदर नहीं है, तो इट विल बी जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज एम? एम इज द मास ऑफ अर्थ, एम इज द मास ऑफ अर्थ। इज इट सिंपल? एकदम सिंपल, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता हूं या फिर अंदर की तरफ आता हूं, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता हूं या फिर अंदर की तरफ आता हूं, तो जो मेरी जी की वैल्यू है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, जो मेरी जी की वैल्यू है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। लेट्स फाइंड आउट दिस, लेट्स फाइंड आउट दिस, ठीक है। सो ये है आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस एच इज द हाइट। तो इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी जहां पर मैं जी निकालना चाहता हूं, आर प्लस एच हो जाएगा। तो जी डैश क्या होगा, देखो, सॉरी वन सेकेंड सर, जी डैश विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज स्मॉल आर? सर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच, स्मॉल आर का वैल्यू है ये। तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला तो ये बना है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर आप इस फॉर्मूले से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे। नाउ अब मैं इस बॉल को फेंकता हूं, आ गया आ गया। अब इस बॉल को मैं ऊपर लेके जाता हूं, अब मुझे बताइए इस बॉल की इस अर्थ से हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में बहुत कम नहीं है क्या? अगर मान लो थोड़ा और ऊपर फेंक दो, इतना ऊपर ले जाओ, तो इसकी हाइट जो है, हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द आर, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द आर। तो अगर केस बनता है, एक सिंपल सा केस बनता है, क्या केस बनता है, केस ये बनता है कि इफ इफ एच इज मच 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 लेस देन आर, एच इज नेग्लेजिबल, एच इज नेग्लेजिबल। तो एच अगर नेग्लेजिबल होगा तो उस केस में क्या होगा, देखिएगा, जी डैश विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैंने यहां से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस एच डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर।
और अभी हमने देखा कि ये जो जीएम बाय आर स्क्वायर क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जीएम अपॉन आर स्क्वायर इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं जी डैश विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय, अब नीचे वाली टर्म को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो पावर टू क्या आ जाएगी, माइनस में। यहां से क्वेश्चन आएगा 101 पर, उठा के देखो प्रीवियस ईयर को। तो ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा। ये फॉर्मूला है भैया, ये हल्के में मत लेना, इसको हल्के में लिया तो पेपर हल्के में ले लेगा आपको। तो ये फॉर्मूला अपना आया। अब मुझे पता है कि एच बाबूजी बहुत छोटा है, बहुत छोटा, वेरी लेस एज कंपेयर टू आर। आर बहुत बड़ा है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई, वेरी बिग, और हम ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे, स्पेस के अंदर नहीं जा रहे, हम छोटी हाइट पर ही देखना चाहते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक देखना चाहते हैं। तो इसका हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये क्या होगा, 2 ब्रैकेट में आएगा, देखो जी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस में 2h डिवाइड बाय आर। यहां से क्वेश्चन फंसेगा, पक्का फंसेगा, वेरी सिंपल, ठीक है। एक भी टॉपिक स्किप नहीं हो रहा है, डेरिवेशन भी हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर h इंक्रीज होता है, यह तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इफ h इज इंक्रीजेस, h इंक्रीज होता है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, देन g विल बी डिक्रीजेस। h इंक्रीज होने से g डिक्रीज होता है। नाउ लेट्स चेक फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज कैसे देखेंगे, परसेंटेज में, फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। तो यहां सभी लिखेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज इन जी डिवाइड बाय जी इंटू 100। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस ऑफ 2h डिवाइड बाय आर इंटू 100। माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है कि अगर हाइट इंक्रीज होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीजेस, हाइट इंक्रीज होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्री, आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्री, पक्का समझ में आया। बढ़े आगे की ओर, ये फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना, रिक्वेस्ट टू एवरी वन, 1 - 2h/r, 1 - 2h/r, 1 - 2h/r, लिखो एक बार 1 - 2h/r, 1 - 2h/r। Now, अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब मैं अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के जाऊंगा, गड्ढा अर्थ के अंदर मैं खुदाई करूंगा, ड्रिलिंग, और मैं अंदर की तरफ चला गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां 2 टर्म्स है, ये तो है डेप्थ, दिस इज द डेप्थ, और ये है स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या, देखो मैं कैपिटल आर को डी प्लस स्मॉल आर लिख सकता हूं, दिस इज कैपिटल आर विच इज इक्वल टू आर प्लस डी। अब मैं यहां पर हूं, यह लाल लाल दिख रहा है, यहां पर हूं। अब मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं, वो ही मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो अगर हम बात करते हैं अंदर की तरफ, जी डैश विल बी इक्वल टू, तो मुझे उसके अंदर की तरफ, होलो है ना, भी होलो
होलो नहीं, सॉरी, सॉलिड है ना, तो अब मुझे अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। किसके तरफ जाना पड़ेगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तो जी डबल डैश ले लो, तो जी एम डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय द आर, जी एम बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय द आर। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है। तो जी डैश डबल डैश विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर क्यूब, और स्मॉल आर को क्या लिख सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ डेप्थ? स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर माइनस डी, कैपिटल आर माइनस में डी। सो जी डबल डैश विल बी इक्वल टू, सॉरी, तो जी एम डिवाइड बाय, यहां पे मैं आर स्क्वायर रख देता हूं, अंदर आर को भेज देता हूं, तो ये बनेगा वन माइनस में डी बाय आर। और जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता है सर? जी एम बाय आर स्क्वायर होता है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, वन माइनस में डी बाय आर। ई फॉर्मूला याद रखना से सारे भाइयों को मैं कह रहा हूं, ई फॉर्मूला याद रखना से, ये फॉर्मूला याद रखना भैया, ये फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे, किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी नॉट इन ब्रैकेट वन माइनस डी बाय आर, जी नॉट इन ब्रैकेट वन माइनस डी बाय आर, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, एट डेप्थ डी। तो भैया यहां पे भी तो बता सकते हैं ना, यहां पे भी बता सकते हैं, फ्रैक्शन चेंज, फ्रैक्शन चेंज निकाल लो सर। जी डबल डैश विल बी इक्वल टू जी नॉट इन ब्रैकेट वन माइनस में डी बाय आर। तो आपको पता है कि अगर डेप्थ इंक्रीज होती है, हम गहराई में जाएंगे, तो जी डबल डैश विल बी डिक्रीजेस, जी डबल डैश विल बी डिक्रीजेस। हाँ, गहराई में जाने पर भी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है, ऊंचाई में भी जाने पर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। बहुत बढ़िया, इसमें क्या चमक गया ये? तो ये तो याद ही हो जाएगा, ये तो याद ही हो जाएगा। नहीं, इफ आई वॉन्ट टू नो द फ्रैक्शनल चेंज इन जी, अगर मुझे फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो ये आपका माइनस का डी बाय आर नहीं आ जाएगा क्या? इंटू हंड्रेड माइनस का डी बाय आर इंटू हंड्रेड, जिस तरीके से अपने पिछले में फ्रैक्शनल चेंज निकाला था ना, ठीक जैसे माइनस टू एच बाय आर आ रहा था, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस का डी बाय आर। कैसा? माइनस का डी बाय आर। इज इट सिंपल, इज इट सिंपल? चलिए क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या हो। फॉर्मूले दो ही, दो ही फॉर्मूले, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर, दस बार बोलो, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस डी बाय आर। याद हो गया, अब क्वेश्चन सोल्व करना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सब्जेक्ट, फॉर्मूला पढ़ते ही क्वेश्चन लगा लो, फॉर्मूला जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। इट्स माई प्रोमिस, है ना, 75 हार्ड डे, आप अपने आप से प्रोमिस करो, इट्स माई प्रोमिस, इट्स माई प्रोमिस कि फॉर्मूला पढ़ते ही क्वेश्चन लगा लो, लाइफ टाइम के लिए सेट है, लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल सेट है एकदम। चलिए, नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वैल्यू इन कंपेरिजन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ऊपर जाए नीचे जाए दोनों वाला केस अपने करेंगे, आप एक बार अपने ऊपर भी चले जाएंगे, एक बार अपने नीचे भी चले जाएंगे। सो जी डैश विल बी इक्वल टू सर जी एम डिवाइड बाय, ऊपर जाते हैं तो आर प्लस एच का स्क्वायर, आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए जी नॉट डिवाइड बाय टू के इक्वल होना चाहिए, और जी नॉट क्या होता है सर? जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करना है अपने को, तो जीएम से जीएम कट गया, आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर टू आर स्क्वायर, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर। इसमें कोई समस्या किसी को? तो इसको खोल लो, आर स्क्वायर प्लस, नहीं तो, नहीं तो ऐसा कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटा दो, तो आर प्लस एच इक्वल टू
रूट टू आर, तो एच विल बी इक्वल टू रूट टू आर माइनस आर, तो भैया जी एच विल बी इक्वल टू आर इन ब्रैकेट अन रूट टू माइनस वन। इतनी हाइट पे एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ द एक्सीलेशन जो कि सरफेस पे है। समझ में आया क्वेश्चन? बिल्कुल होगा, बाद में होगा, लेकिन उतना वेट नहीं करना है। अगर यहां होगा तो रिवाइज हो जाएगा प्रॉपर वे में और अच्छे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर पाएंगे एज कंपेयर टू द स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा डिटेल में, क्लास ट्वेल्थ पूरा डिटेल में, एकदम डिटेल 15-15 घंटे लगा के। लेकिन यहाँ पे जब आप उसको वापस पढ़ोगे ना, आपको रिविजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नाउ इट्स योर चॉइस। अब ये वाली क्लास अगर आप 2.5-3 घंटे की देखोगे तो इसको एक बार आपको वापस और देखना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं डेप्थ में। जी डबल डैश विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर क्यूब इन ब्रैकेट यहां पे आर, एंड इट शुड बी इक्वल टू आर की जगह इसको मैं लिख देता हूं आर माइनस डी, एंड इट ये किसके इक्वल हो जाएगा जी नॉट डिवाइड बाय टू, ये क्या हो जाएगा जी एम डिवाइड बाय टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। नाउ तो जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इन ब्रैकेट वन माइनस में डी बाय आर इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय टू आर स्क्वायर। तो जी एम बाय आर स्क्वायर से जी एम बाय टू आर स्क्वायर 1/2 बच जाएगा ना वो, तो 1 - d/r इक्वल टू 1/2, तो 1 - 1/2 इक्वल टू डी बाय आर। डेप्थ निकालनी है अपने को, तो 1/2 इक्वल टू डी बाय आर, तो यहां से डेप्थ आ जाएगी अपनी r/2। r/2 डिस्टेंस पे क्या होगा, हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ। समझ में आया? पक्का मजे में आनंद मंगल? बताओ भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, भैया पूरा पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है? और क्लास होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस भी देना है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉक्सी लगा के भाग जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चाहे रिकॉर्डेड मोड में देखें चाहे लाइव मोड में देखें, तो भैया टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको साइन इन ऑफ भी करना होता है #Vishal11 चैलेंज कंप्लीटेड ऑफ द जो भी डे आपका चल रहा है। मजा आया कि नहीं मुझे बताओ। जीवन में मजा आना चाहिए, कुछ भी काम करो इंजॉय करके करो। पढ़ाई कर रहे हो तो इंजॉय करके पढ़ो, और अगर खेल रहे हो तो फुल डेडिकेशन के साथ खेलो। पढ़ाई कर रहे हो तो फुल डेडिकेशन के साथ करो, तभी आपको उसका प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। मन मार के अगर यहाँ फिजिक्स की क्लास में बैठे हो ना, तो मैं कितना भी समझा दूं दिमाग में घुसेगा ही, आज घुसेगा कल निकल जाएगा। तो मन मार के नहीं बैठना है, पॉजिटिव सोच के बैठना है कि हाँ मैं अगर फिजिक्स पढ़ूंगा ये चैप्टर मेरा अच्छा हो जाएगा, इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा 2-3 क्वेश्चन जितने भी आते हैं और मेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे, आई विल गेट माय ड्रीम कॉलेज। सो दिस इज पॉजिटिवनेस, ये पॉजिटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए। ओके चलो अब हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हाइट पे जाने पर भी जी डिक्रीज होता है, डेप्थ में जाने पर भी जी डिक्रीज होता है। अब हम देखते हैं कि अर्थ की शेप का क्या इफेक्ट होता है। अर्थ आपको पता है अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फीयर, ये चपटा ऐसे ऊपर से फ्लैट है, ऑब्लेट है ऐसे ऊपर से आप इसको दबाओगे ना, दिस बॉल इज कंप्लीटली स्फेरिकल। ठीक है, अगर मैं इसको दबाता हूं ऐसी अर्थ, जब मैं इसको दबाऊंगा व्हाट विल हैपन, जब मैं इसको दबाऊंगा व्हाट विल हैपन, अरे बोलो कमेंट सेक्शन में, इधर का साइज बड़ा हो जाएगा। देखो बड़ा हो गया, ये ऐसे है ना, ये देखो इधर, अब मैं थोड़ा गैप कर देता हूं, अब मैं दबा रहा हूं तो बड़ा हो गया, इधर से साइज छोटा हो जाएगा, इधर से बड़ा हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं? पोल्स की रेडियस कम हो जाएगी, इक्वेटर की रेडियस ज्यादा हो जाएगी,
और हमें पता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, चाहे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के जो आज पढ़ाए फॉर्मूले भूल जाओ, मुझे मतलब नहीं है। जी एम बाई आर स्क्वायर इज माई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस पे पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए रेडियस डिक्रीज होती है तो डेफिनेटली जी नॉट विल बी डिक्रीजेस, या जी नॉट विल बी इंक्रीजेस, जी नॉट विल बी इंक्रीजेस। नाउ अब मुझे बताओ, इक्वेटर पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा या पोल्स पे? देखो यहां पे हमने देखा कि सर इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, पोल्स पे रेडियस कम है। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, पोल पे रेडियस कम है, तो इक्वेटर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और पोल्स पे ज्यादा होगा। लो बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। अब मुझे बताओ इक्वेटर से पोल पर जाओगे, इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, पोल से इक्वेटर पे आओगे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। नाउ सर वेस्टर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न पोल में आओगे, वेस्टर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न पोल में आओगे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, नॉर्दर्न पोल से साउदर्न पोल जाओगे, नॉर्दर्न पोल से साउदर्न पोल जाओगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, देन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस इंक्रीजेस। क्या है समझ में आई? इक्वेटर पर चलते रहोगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ऐसा क्वेश्चन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, चमका के नहीं चमका, समझ में आया? बढ़े आगे की ओर। नाउ रोटेशन ऑफ अर्थ, यहां पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा काम आएगा, थोड़ा सा काम आएगा, थोड़ा सा, ठीक है, पढ़े इसको, पढ़े। आपको पता है कि अर्थ रोटेट करती है, अब अर्थ रोटेट करेगी ना, उसका शेप का इफेक्ट नहीं देखूंगा, खाली और खाली मैं इसका रोटेशन का इफेक्ट देखूंगा। किसका इफेक्ट देखूंगा? रोटेशन का। तो जब अर्थ रोटेट करती है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वन सेकेंड, अर्थ रोटेट करती है, इसके ऊपर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये विजिबल है ऑब्जेक्ट, नॉट विजिबल, इट इज विजिबल, अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पर है, यहां रख रखा है, अर्थ से वो ड्यू टू ग्रेविटी चिपका हुआ है, अर्थ रोटेट करती है ऐसे, अर्थ रोटेट करती है। तो जब अर्थ रोटेट करेगी तो एक तो इसको अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और एक इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर। अर्थ अगर रुकी हुई है, उसका कंपैरिजन अगर रोटेशन के साथ करूं, रुकी हुई है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम जी, और अगर अर्थ घूम रही है तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, एम जी माइनस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mg माइनस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान से समझो, ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ रोटेट कर रही है, इस ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ma m ओमेगा स्क्वायर r, लेकिन दिस इज द रेडियस लिंग ना, ये वाली रेडियस लिंग है, जिस सर्कमफ्रेंस पे वो रोटेट कर रहा है, इस सर्कमफ्रेंस पे रोटेट कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अरे एक मिनट रुको बाबूजी, समझ नहीं आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर ये रेडियस है, ये वाली रेडियस, स्मॉल आर है ये वाली रेडियस, दिखी चमकी? ये वाली रेडियस अर्थ की रेडियस की कंपैरिजन में हम निकाल सकते हैं आर कोस थीटा, ये वाली जो रेडियस है वही ये वाली रेडियस है, तो स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल आर की जगह मैं लिख सकता हूं आर कोस थीटा, तो एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस थीटा। अब इस एम ओमेगा स्क्वायर
आर कोस थीटा का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय द कोस थीटा, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। ये बाहर की तरफ फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वन सेकेंड, अंदर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो नॉर्मल क्या होगा सर, नॉर्मल विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो नॉर्मल को क्या लिख लूं मैं, नॉर्मल को लिख लेता हूं मैं मास इंटू जी इफेक्टिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा सर, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह यहाँ कैपिटल आर ले लो, कॉस स्क्वायर। तो थोड़ा सा डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा डेरिवेशन, थोड़ा तो डेरिवेशन हो गई होगा। ये क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम से ये एम कट गया, ये वाला एम कट गया, तो जी इफेक्टिव, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना जो अब मैं लिख रहा हूं, इट विल बी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ माइनस में ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, एंगल, एंगल ये है अर्थ का सेंटर और आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो एंगल हो गया थीटा। अगर मैं पोल पे चला जाऊंगा तो थीटा क्या होगा, अगर मैं पोल के ऊपर चला गया व्हाट विल बी थीटा, सोच के देखो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड थैंक्स फॉर योर डेडिकेशन टू वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड दीज लेक्चर्स आर वेरी वेरी सिंपल, डोंट वरी। अगर मैं पोल पे चला जाऊंगा थीटा विल बी 90, तो कोस 90 क्या होगा, जीरो। तो पोल्स पे रोटेशन का इफेक्ट ही नहीं होगा, पोल्स पे रोटेशन का इफेक्ट ही नहीं होगा, समझ आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं पोल्स पे चला जाऊं, पोल्स पे थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी, और अगर मैं इक्वेटर पर हूं, इक्वेटर पे थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री विल बी 1, तो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी माइनस में ओमेगा स्क्वायर आर। क्या ये बात समझ में आई, जी माइनस में ओमेगा स्क्वायर आर। तो रोटेशन के कारण आपका जो जी इफेक्टिव होगा इक्वेटर पे इट विल बी मिनिमम, और पोल्स पे तो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी, पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा क्योंकि पोल्स पर रोटेशन का भी इफेक्ट नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द रेडियस। अगर हम पोल्स पे चले जाएंगे, पोल्स पे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, जीरो। मेरी अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो मेरे पे रोटेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो मेरा एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी लेस, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई, क्या ये चीज सबको समझ में आई। अब क्वेश्चन करेंगे भाई, अब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, अर्थ में मैंने आर पार एक ड्रिल करके होल कर दिया, होल कर दिया, और अर्थ की सरफेस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया मास एम का, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, अब उसको मैं छोड़ता हूं, देन अर्थ विल अट्रैक्ट, और वो अर्थ के सेंटर पर जाएगा, और जब अर्थ के सेंटर पर पहुंचेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। अब यहां पे काम आएगा एनर्जी वाला थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला थ्योरम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, अब सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, कमेंट नजर नहीं आ रहे। कंटेंट बढ़िया लग रहा है सबको एकदम। चलिए लिख लिख के करेंगे सॉल्व, लिख लिख के सॉल्व करते हैं। देखो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मैं कहां पर हूं? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर मेरा जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसका मास है एम, और पोटेंशियल क्या है सर? पोटेंशियल है माइनस का जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2। मान लीजिए वी से पहुंचता है एम वी स्क्वायर, प्लस मेरा मास एम और मैं अर्थ के सेंटर पर हूं। अर्थ के सेंटर मतलब अंदर की तरफ हूं ना, मैं अर्थ के सेंटर पर हूं तो मतलब मैं अंदर की तरफ हूं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अर्थ के सेंटर पर हूं मतलब मैं अर्थ में अंदर की तरफ हूं। तो अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा बताओ? पोटेंशियल अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? देखो अंदर की तरफ हो, मैंने कहा था ना फॉर्मूला याद रखना है। तो स्मॉल आर को जीरो पुट करो, स्मॉल आर को जीरो पुट करो, स्मॉल आर को जीरो पुट करो, हाइट लो, स्मॉल आर को जीरो पुट करो तो मैं पहुंच जाऊंगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फॉर्मूला याद करो वापिस, जीएम डिवाइड बाय 2R³ इन ब्रैकेट माइन 3R² माइनस में R² सॉल्यूशन कहाँ गया? अच्छा गलत जगह सॉल्यूशन ले लिया अपनों ने। वन सेकेंड, तो माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय 2R³ इन ब्रैकेट 3R² माइनस ऑफ जीरो, ठीक है। तो एम 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 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का जीएम डिवाइड बाय आर इक्वल टू V² डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय 2R³, और जब ये मैं जीरो पुट करूंगा तो 3R² और ये आर नीचे, तो नीचे हो जाएगा 2R और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। माइनस को उधर भेज देता हूं, 3GM डिवाइड बाय 2R इक्वल टू माइनस का जीएम बाय आर भी है, माइनस का जीएम बाय आर इक्वल टू V² डिवाइड बाय 2, V² डिवाइड बाय 2। तो V विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 माइनस वन, 1/2 बनेगा क्या ये? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर 3R² माइनस R² 2R² आर से आर कट गया, ठीक है। और फाइनल मैं जा रहा हूं सेंटर पे, फाइनल मैं जा रहा हूं मैं सेंटर पे, है ना? तो -3/2, 2 कहां जाएगा फिर? एक मिनट देखना इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। माइनस का जीएम बाय आर ठीक है, V² बाय 2 माइनस का उधर जाएगा +3/2, तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, है ना? तो अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर आएगा क्या? एक बार देखो सॉल्व करके, अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर आना चाहिए है?
सॉल्व करो, 75 हार्ड डे। अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आ रहा है, ठीक है चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी आर डिस्टेंस पर छोड़ रहा हूं और अब वो सेंटर पे जाएगा, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगा? सेम फॉर्मूला देखो, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं और ये हाइट है आर। यहां से जब अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, ये ऐसे अंदर जाएगा। अब यहां होल किया हुआ है तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, सेंटर पर पहुंच जाएगा। सेंटर पर पहुंच जाएगा तो क्या वेलोसिटी होगी वो बतानी है, सिंपल सा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस मास एम, इनिशियल पोटेंशियल माइनस का जी एम डिवाइड बाई टू आर इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल जी 1/2 m वी का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी एम एम 3/2 r। ठीक है सॉल्व करो, सॉल्व करो और बताओ वी का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल सा है। बताओ फटाफट इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, चलो मैं ही कर देता हूं, इसका अंडर आंसर जो आएगा अंडर रूट 2 gm/r हो जाएगा। आप करिएगा सॉल्व इसको, 2 gm डिवाइड बाय आर, ये होगी फाइनल वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम व्हेन इट इज राइजेस अप टू रेडियस आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, यहां से ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं और ये आर रेडियस तक पहुंच जाता है। यहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं और ये आर रेडियस तक पहुंच जाता है, और जब ये आर रेडियस तक पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। हमें निकालना है प्रोजेक्शन वेलोसिटी, तो वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो प्लस इनिशियल पोटेंशियल जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m वी नॉट से मैं इसको फेंकता हूं, वी नॉट स्क्वायर प्लस आर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ द अर्थ से मैं फेंकता हूं तो माइनस का जी एम डिवाइड बाय आर, ये एम आ जाएगा यहां पे। देखो मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूं, बाकी आप करना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो और किस डिस्टेंस पे पहुंच जाता हूं, मैं 2 r डिस्टेंस पे पहुंच जाता हूं, माइनस का जी एम एम डिवाइड बाय 2 r। तो यहां से वी नॉट कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आता है। दिस इज योर टास्क, दिस इज योर टास्क। वी नोट तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना बेटा, वी नोट तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, सिंपल सी चीज है। अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर आएगा, ठीक है अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर करके देखिएगा। करना कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब मैंने इसको ऐसे फेंका कि ये लौट कर ही वापस ना आए, इनफाइनाइट दूर चला जाए। अब मैं इसको ऐसे फेंकूं, लौट कर ही वापस ना आए, इसको मैंने ऐसे फेंका, अब वापस आया ही नहीं, दूर चला गया इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे चला जाए और वहां उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो।
इनफाइनाइट पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। इनफाइनाइट पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो सेम फंडा हम लगा सकते हैं, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, इट इज मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला जाता है इनफाइनाइट पे। तो सेम फॉर्मूला सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस m सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस का gm डिवाइड बाय r इक्वल टू फाइनल काइनेटिक जीरो प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो VE विल बी इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा, GM डिवाइड बाय 2GM बाय R। अंडर रूट ऑफ 2GM बाय R, क्या ये बात समझ में आई, GM बाय R। अब मैं देखता हूं कि इस पोटेंशियल एनर्जी पर मास का और डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, मास का और डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मुझे इफेक्ट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे अर्थ के मास की बात हो रही है तो VE विल बी इक्वल टू 2G। अर्थ के मास को मैं ले सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय कैपिटल आर, तो एस्केप वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ, मैं लेट मी चेंज माई पोजिशन, टू जी रो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, 4/3 πr का क्यूब डिवाइड बाय r। तो VE इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा डायरेक्टली लिख लूं मैं, V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो आर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, VE इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो आर स्क्वायर। अभी जो हमने VE का फॉर्मूला देखा, अभी जो हमने VE का फॉर्मूला देखा अंडर रूट ऑफ 2GM बाय आर, यहां से अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो मुझे ऐसा फील होगा कि VE इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय आर, बट यहां पे मास भी तो चेंज हो रहा है ना, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो इनको मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, सिंगल वेरिएबल में VE इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रो आर स्क्वायर। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभी मैं अर्थ को प्रोजेक्ट कर रहा हूं किसी आर डिस्टेंस से और वो जा रहा है इनफाइनाइट पे, अर्थ को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं आर डिस्टेंस से और वो जा रहा है इनफाइनाइट पे, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल जी। तो जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बग जाएगा तो उस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m वी एस्केप का स्क्वायर प्लस m इनिशियल पोटेंशियल माइनस का जी एम डिवाइड बाय स्मॉल r इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ में आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगेन सेम फॉर्मूला, अगेन एम तो एम कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ जी 2GM बाय स्मॉल आर, अंडर रूट ऑफ 2GM बाय स्मॉल आर। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन के लिए एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GM डिवाइड बाय स्मॉल आर। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट, इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई सेटेलाइट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर कोई सेटेलाइट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कौन एक्ट करेगा सर, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड की, ऑर्बिटल स्पीड की, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जीएमएम बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यही किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो जी एम एम डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहां पे ये है ऑर्बिटल स्पीड, जिस स्पीड से ये जा रहा है, तो ये ऑर्बिटल स्पीड किसके कॉल होगा, देखो एम से एम तो कट जाएगा, इस आर से ये एक आर कट जाएगा, तो क्या ये अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर नहीं आ रहा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। और हमने सुना है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाय आर, अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाय आर। तो क्या यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल सिंपल। चलिए बढ़े आगे की ओर, ठीक है। चलो देखो, अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की। तो सबसे पहले बात करते हैं, सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2m ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 1/2m ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, जी एम डिवाइड बाय स्मॉल r। तो ये क्या हो जाएगा, जी एम एम जी एम एम डिवाइड बाय 2r। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल है जो कि मास और उस पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस का जीएम अपॉन में आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय आर, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय आर, समझ में आया। अब इन दोनों को जोड़ दो, आई विल गेट टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जी एम एम डिवाइड बाय 2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जी एम एम डिवाइड बाय स्मॉल r। तो टोटल एनर्जी विल बी ऑल्सो नेगेटिव, माइनस का जी एम एम डिवाइड बाय 2r, माइनस का जी एम एम डिवाइड बाय 2r। नाउ सी सी काइनेटिक एनर्जी जी एम एम बाय 2r, उसका माइनस कर देंगे टोटल एनर्जी जी एम एम बाय 2r, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जी एम एम बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी नेगेटिव टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टर्म्स में ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव टर्म्स में ज्यादा होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पे देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टर्म्स में ज्यादा है, नेगेटिव टर्म्स में ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव टर्म्स में ज्यादा है। और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आई विल गेट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जी एम एम बाय टू आर इज योर काइनेटिक एनर्जी, माइनस का जी एम एम बाय टू आर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दिया, माइनस का जी एम एम बाय आर, माइनस का जी एम एम बाय आर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दिया, मुझे मिल जाएगी टोटल एनर्जी माइनस का जी एम एम बाय टू आर, माइनस का जी एम एम बाय टू आर। यहां से क्वेश्चन फंसता है बेटा,
ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन फंसता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स कम टू द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π/ω, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा को लिख सकता हूं मैं v/r। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं? v/r। तो 2π r डिवाइड बाय वी नोट। 2π r वी नोट को क्या लिख सकता हूं मैं? वी नोट को जी एम और डिवाइड, ये आर हो जाए। क्या बात समझ में? जी एम बाय आर। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, टाइम पीरियड का स्क्वायर कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 4π² r² r डिवाइड बाय जी एम। क्या मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, ये क्या है बताओ बताओ फटाफट। ये है केपलर का नियम, टाइम स्क्वायर का प्रोपोर्शनल इज आर क्यूब, है ना, है ना, है ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे क्यों ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अलोंग विद द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको कुछ एडिशनल चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे हम यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले लिख रहे हैं, अब फिजिक्स में आपके कम से कम हम मान के भी चले तो 600-700 फॉर्मूले हो जाते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी फॉर्मूलों को प्रॉपरली याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फ्लैश कार्ड आपके वहां पर काम आते हैं, तो काफी कलरफुल और काफी अच्छा इसका विजिबिलिटी होता है। तो आप इसको भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ एडिशनली फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। नाउ कम टू द वेटलेसनेस। कैसा नेस? वेटलेसनेस। अब मान लीजिए अर्थ घूम रही है, तो अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाना चाहता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर एम आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में इक्वल हो जाए, अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। तो इसके आप कंडीशन निकाल सकते हो कि वेन एवर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर? जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब आपकी ये कंडीशन होती है तो उस केस में आप वेटलेसनेस फील करते हो। क्या फील करते हो? वेटलेसनेस। इज इट क्लियर? तो ओमेगा की जगह आप वी नोट भी रख सकते हो, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो एम वी नोट स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी नोट स्क्वायर क्या होगा? जी एम डिवाइड बाय आर, और नीचे एक्स्ट्रा आर चल ही रहा था, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस केस में आपकी बॉडी को वेटलेसनेस फील होगा। वेटलेसनेस मतलब एक्चुअल बॉडी में तो वेट है, बट यहां पे जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जीरो। जी इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा? आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब फटाफट फटाफट रिविजन करने वाले। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई। ऐसी सैटेलाइट्स जो अर्थ के साथ रुकी हुई फील हो, जैसे से फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये यहां पर एक सैटेलाइट लगा रखी है। एक मिनट, ये सैटेलाइट लगा रखी है ऐसे ऐसे, अर्थ ऐसे घूमेगी तो ये सैटेलाइट हमेशा यहीं रहेगी, नजर आ रहा है? आपके सिर के ऊपर रहेगी हमेशा। तो इस टाइप की जो सैटेलाइट्स होती है उन्हें हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का सेंस ऑफ रोटेशन और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन वो अर्थ जैसा ही होता है। ये भी हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है
वो क्या होता है आपका 24 आवर होता है। और इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है, इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो अर्थ के जो इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है वहां से होके गुजरेगा। प्लेन ऑफ रोटेशन कहां से होके गुजरेगा? इक्वेटोरियल प्लेन से होके गुजरेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपके जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो हमने अभी देखा था कि जो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड ये क्या होता है, एक सेकेंड, 4 पाई स्क्वायर r³। अभी निकाला था ना टाइम पीरियड, कहाँ गया? 4 पाई स्क्वायर r³ डिवाइड बाय जीएम। तो अर्थ के लिए जब मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं, अर्थ के लिए जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो जो आर आता है वो आता है हमारा 42,000 किलोमीटर। अगर ये स्मॉल आर की वैल्यू 42,000 किलोमीटर है ना, 42,000 किलोमीटर है, तो अर्थ से कितनी हाइट पे होगा? तो इसमें से अर्थ की रेडियस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अर्थ की रेडियस को इसमें हम माइनस कर देंगे 6,400 किलोमीटर। तो किस हाइट पर होगी? ये होगी 35,600 किलोमीटर की हाइट पे। और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन होगा 24 आवर। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन विल बी 24 आवर। इज इट सिंपल? ये तो हमेशा जैसे हमारी अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो सैटेलाइट होगी, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो हमेशा इंडिया के ऊपर रहेगी, हमेशा इंडिया के ऊपर रहेगी। टीवी देखने वाली सैटेलाइट होगी, इन्हीं सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इसके बाद आता है पोलर सैटेलाइट्स। ये कहीं भी घूम सकता है, ये कहीं भी घूम सकती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं। परमाणु मूवी देखी है सबने? परमाणु मूवी जोन अब्राहम वाली, बोलो हाँ ना। परमाणु मूवी देखी है क्या भाई? परमाणु मूवी नहीं देखी? परमाणु मूवी में क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो यूएस होता है ना वो अपनी पोलर सैटेलाइट से हमारी छानबीन करता है जैसलमेर में, पोकरण की पोलर सैटेलाइट से। और बीच में एक डार्क स्पॉट आता है, डार्क स्पॉट, उसमें जाके हम अंदर कुएं में बम फिट करते हैं और फिर उसका न्यूक्लियर बम का टेस्ट करते हैं, परमाणु बम का। अरे पहले देखी होगी ना कभी, देखना। तो उसमें जो सैटेलाइट्स यूज में ली जाती है ना उसे हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स भी कहते हैं, जासूसी वाली सैटेलाइट्स। कैसी सैटेलाइट? जासूसी वाली सैटेलाइट। तो इनका जो रेडियस होता है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, अप्रोक्सीमेटली अर्थ के रेडियस के इक्वल होता है। और इनका जो टाइम पीरियड होता है कि जो ये एक पूरा चक्कर लगा लेती है अर्थ का, पूरा एक चक्कर, तो होता है लगभग 1.5 घंटा, 84.6 मिनट। तो टाइम पीरियड होता है ऑलमोस्ट 84.6 मिनट। इनका टाइम पीरियड काफी कम होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड होता है ज्यादा, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है काफी कम। ठीक है, इनका टाइम पीरियड होता है काफी कम। चलिए बढ़े आगे की ओर। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे अब हम पढ़ने वाले हैं कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ बिल्कुल सिंपल है, थ्योरी सी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कैप्लर जी क्या कहते हैं? कैप्लर जी कहते हैं कि जो प्लेनेट होता है अर्थ के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, एनर्जी देके। अगर हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो यहां से चंद्रमा तक, मंगल, मिशन मंगल मूवी देखी होगी, मिशन मंगल, उसमें वो कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा धुआं निकालते हैं, एनर्जी मिलती है, रोटेशन वाली जो रेडियस है वो चेंज हो जाती है। तो अलग अलग डायरेक्शन से एनर्जी देके हम उसका रोटेशन डायरेक्शन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो आपका प्लेनेट घूमता है और सन इन दोनों किसी भी एक फोकस पॉइंट पे हो सकता है। ये जो छोटी वाली एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और बड़ी वाली एक्सिस को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। अब बड़ी वाली एक्सिस का अगर आधा कर दोगे तो सेमी मेजर एक्सिस, और छोटी वाली एक्सिस का आधा कर दोगे तो सेमी माइनर एक्सिस। थोड़ा थोड़ा थोड़ी पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बता भी दूंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो व्हाट इज पेरिहेलियन, एपिहेलियन आर द क्लोजेस्ट एंड फार्देस्ट पॉइंट।
से पीसी क्लोजेस्ट, ए से फार्देस्ट, ठीक है, ए से फार्देस्ट। क्या बात समझ में आई? देखो फार्देस्ट में ए आ रहा है ना, तो एपिहेलियन से याद रख सकते हो, फार्देस्ट में ए आ रहा है तो एपिहेलियन। सेपरेशन वेलोसिटी जीरो एट ऑल दिस पॉइंट्स और द एंटायर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट। सन एंड प्लेनेट को जब हम जोड़ेंगे तो जिस लाइन से, जिस एक्सिस के थ्रू हम उसको जोड़ रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। अब है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या है कि जब कोई प्लेनेट किसी पर्टिकुलर टाइम में आगे की तरफ बढ़ता है तो जितना एरिया वो यहां पे कवर करता है, सेम एरिया सेम टाइम में कवर दूसरी जगह करेगा। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हुए जाता है, जैसे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हुए जाते हैं, सिमिलरली इक्वल टाइम में इक्वल एरिया हम कवर करते हुए जाते हैं। इसी को हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी। मतलब जितने भी प्लैनेट्स होंगे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को स्वैप करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ये जो चीज है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि यहाँ रोटेट हो रहा है ना, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वैलिड रहता है। एंगुलर मोमेंटम वाला प्रिंसिपल यहाँ पे वैलिड रहता है, ठीक है। लॉ ऑफ एरिया ही आपका। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लॉ ऑफ एरिया डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल आएगा? सर डी ए अपॉन जो डी टी होगा, एरियल वेलोसिटी, इट विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय मास। ये किसके इक्वल होगा? एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय मास। समझ आई? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सर एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, रेडियस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट। रेडियस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ ना, बोलिए। ठीक है, और तीसरा नियम क्या कहता है? टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो वहीं से हम यहां पे बना लेंगे कि जो हमारा टी स्क्वायर होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। अभी अपने डिराइव किया था ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। और ए क्या है यहां पे? सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मतलब आधा, सेमी मेजर एक्सिस। कैसा एक्सिस? सेमी मेजर एक्सिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूं। देखिएगा, एक मिनट रुकिए। तो अब थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं कि केपलर लॉ वगैरह क्या चीज है ना। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट लॉ देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी स्पीड कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो हम कम स्पीड में एरिया कवर कर लेंगे, डिस्टेंस कम होगी तो हमें ज्यादा स्पीड में एरिया कवर करना पड़ेगा। तो यहां देखो एक बार, इस तरीके से आपका ये पाथ फॉलो करेगा, इलिप्टिकल पाथ है ये। अब देखो यहां पे जल्दी से गुजर रहा है, फास्ट हो रही है। और ये हरे रंग का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हरे रंग का रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब देखो यहां पे, यहां से गुजर रहा है तो 34 के लमसम वेलोसिटी है। अब देखो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और 17 के आसपास पहुंच गई। अब जैसे जैसे ये पास में आएगा वेलोसिटी विल इंक्रीजेस, ठीक है, अगेन देन इट विल बी डिक्रीज। मतलब पास से क्या होके गुजरेगा? पास से धीरे होके गुजरेगा। क्या फास्ट होके गुजरेगा? पास से फास्ट होके गुजरेगा, दूर से धीरे। पास से फास्ट होके गुजरेगा, दूर से धीरे होके गुजरेगा। समझ में आ रहा? दिख रहा है ना? बोलो हाँ ना। अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, ऑल ऑफ यू एग्री? बढ़े आगे की तरफ, सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ क्या है? एरियल वाला है, सेम एरिया है ना, सेम एरिया वाला। अब देखो यहां पे ग्राफ नजर आ रहा होगा आपको मेरे साइड में,
तो अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये इसने एरिया कवर किया, यहां पे भी इसने एरिया कवर किया, यहां भी इसने एरिया कवर किया। तो मैं आपको यहां पे स्पीड बता देता हूं, और स्टॉप वॉच है क्या यहां पे? चलो देखते हैं स्टॉप वॉच ईयर्स में। देखिए यहां से निकला, यहां पहुंच गया 0.45, यहां पहुंचा है 0.9। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अब यहां पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर किया जा रहा है। एक दो तीन चार को देखो, एक दो तीन चार को। अब ये कौन सा एरिया है? तीसरा नंबर एरिया है, ये फोर्थ नंबर एरिया है। सब में टाइम सेम है, सब में टाइम सेम है, सब में एरिया सेम है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है। पक्का समझ में आया? बोलो हाँ ना। चलिए थर्ड लो पर आए, थर्ड लो देखो। अगर मान लीजिए यहां पे मैं डिस्टेंस चेंज करता हूं, सन की जगह कोई और प्लेनेट वगैरह ले लेता हूं, स्टार वगैरह ले लेता हूं, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा ऐसे। ये हमारे सन के लिए है, ठीक है? तो सन के लिए ऐसे मूव करेगा। व्हाट इज ए? ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, नजर आ रही है? ए ए इज सेमी मेजर एक्सिस। तो टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज से यस और नो। साउंड सुनना चाहोगे इसका? पास से होके गुजर रहा है तो साउंड बढ़ रही है, मतलब स्पीड आर इंक्रीजिंग। दूर से होके गुजर रहा है तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, साउंड कम है। फील हुआ? ठीक है, चलिए। ट्रेन ट्रेन साउंड नजर आ रहा है सबको। चलो कोई बात नहीं, इसमें आपको सारे लॉस दिख जाएंगे, एरिया वाला भी दिख जाएगा, सारे लॉस, ठीक है? ये एरिया लॉ भी है, ये टाइम पीरियड वाला लॉ है। ओके चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टुडे सेशन। आज के सेशन के अंतिम टॉपिक की ओर अब हम बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट विल बी द पाथ ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट किस पाथ पे मूव करेगा एक्चुअली। अगर मान लीजिए क्या होता है, अगर मैं यहां से सैटेलाइट को जीरो वेलोसिटी से फेंकू, मतलब सैटेलाइट को वेलोसिटी ना दू, तो डायरेक्टली अर्थ पे आके गिर जाएगा। अगर इसके वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो भी अर्थ के ऊपर आके गिरेगा। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल है तो ये तीसरा नंबर पाथ फॉलो करेगा, सर्कल। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी और एस्केप वेलोसिटी से कम हो जाएगी तो इलिप्स कवर कवर करेगा, फोर्थ नंबर। और अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी तो पैराबोला कवर करेगा, और अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो हाइपरबोला पाथ को ये कवर करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। अगर जीरो से करेगा तो नीचे गिर जाएगा, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगी तो ये क्या करेगा, जीरो से ज्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ऑर्बिटल से ज्यादा हो एस्केप से कम हो तो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा, एस्केप से ज्यादा हो या फिर एस्केप के इक्वल हो तो उस केस में क्या होगा, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ ना। और अगर एस्केप के इक्वल हो जाए, एग्जैक्टली एस्केप के इक्वल हो जाए तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और एस्केप से ज्यादा हो जाएगी तो हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो ये थोड़ा सा पाथ पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएगा, पाथ को पढ़ना है आपको, ठीक है? चलिए चलिए, तो सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट में, कमेंट सेक्शन करके बताइए।
कमेंट में कमेंट सेक्शन करके बताइए सो दैट वी कैन मूव ऑन। एंड टुडे आवर ग्रेविटेशन हैज बीन कंप्लीटेड इन डिटेल। क्लास में मैंने आपको कुछ भी नहीं लिखवाया है इसलिए इतना जल्दी कंप्लीट हो गया। अदरवाइज ये 4 से 5 घंटे का ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, इजी चैप्टर क्वेश्चन पक्का है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास भी लगा दी जाएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता दीजिएगा। और अनअकैडमी पर आपके डाउट रूम्स भी होते हैं, डेफिनेटली इफ यू आर स्टडिंग डाउट्स विल कम। देखिए जिसके मन में डाउट नहीं आ रहा है ना वो पढ़ ही नहीं रहा है, ये हमेशा ध्यान रख लेना। जिसके मन में डाउट नहीं आ रहा है वो पढ़ ही नहीं रहा है, आपके मन में डाउट आ रहा है तो ये अच्छी बात है, तो ध्यान रखिएगा डाउट आना अच्छी बात है, इट्स ए पॉजिटिव थिंग। आप पढ़ रहे हो तभी तो डाउट आ रहे हो। और अनअकैडमी पर डेफिनेटली डाउट सॉल्विंग करने के लिए आपके लिए डिफरेंट प्लान्स हैं, अलग अलग क्लासेस वगैरह भी होती है आपके डाउट सॉल्विंग। ओके, और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको सेशन पर अपना लाइक करके अटेंडेंस मार्क करनी है। सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है बताओ फटाफट, सेशन कंप्लीट होने के बाद क्या करना है? सेशन कंप्लीट होने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हमारा आज का जो हार्ड चैलेंज है वो भी कंप्लीट हो गया है। और कोई भी वैल्यूबल फीडबैक है यू कैन गिव मी इन द कमेंट सेक्शन, तो फीडबैक का तो मैं हमेशा वेलकम करता ही हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आप 2 बजे वाली स्पेशल क्लास में, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स की DPP, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, ठीक है? और ये नोट्स आपको शाम तक मिल जाएंगे, तो उसको देखकर आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। तो बाय गाइस, टेक केयर ऑफ यू ऑल, जय हिंद जय भारत।